नासिक में रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नागपुर शहर में भी इसका असर दिखाई दिया। महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश रामगिरी महाराज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ नागपुर शहर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से बुधवार को कलेक्टर विपिन इटनकर द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में लीग की ओर से रामगिरी महाराज पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग हैं। हमारे नागपुर मुस्लिम लीग की तरफ से हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के आए हैं। मैं नागपुर शहर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ जो है महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला भी हैं, हमारे नागपुर के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी भी हैं, हमारे नेशनल के जुबैर भाई भी हैं, हमारे सीनियर काजी रियाज साहब हैं और हमारे एक सीनियर साथी हाजी असरार बब्बू साहब, राजा नवाज शरीफ साहब, इकबाल भाई वगैरह, ये सब बहुत सीनियर लोग हैं। पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्य समिति के सभासद भी हैं। इनमें बहुत सारे लोग थे। डेपुटेशन देने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी काम था, वो चले गए। हम आपके इंतज़ार में थे, आपसे मुलाकात करना था। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में आपसे कुछ बातें मुद्दे की कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सबको पता है कि ये देश में सब किस समाज के सब धर्म के लोग रहते हैं। धर्म जो है वो लोगों को अच्छा जीवन गुजारने की शिक्षा देता है, सफल जीवन गुजारने की शिक्षा देता है। धर्म जो है प्रेम सिखाता है, मानवता सिखाता है, इंसानियत का दर्श देता है और अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना भी सिखाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा था कि अपने वतन से मोहब्बत करने वाला उसका मकाम मर्तबा ऐसा ही है कि जैसे उसका ईमान, निस्फ ईमान, यानी ईमान के दर्जे में वतन की मोहब्बत है। हमारे देश के अंदर आपको पता है कि देश के अंदर अंग्रेज़ बहुत समय तक उन्होंने राज किया, फूट डाला, राज करो की पॉलिसी अपनाई, लेकिन आज़ादी के अंदर सब ने मिलजुल कर हिस्सा लिया, सब कौम के लोगों ने, और अंग्रेज़ों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत से इंग्लैंड भागना पड़ा। कैमरा पर्सन नयन के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।